नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। चिराग पासवान को दिल्ली स्थित 12 जनपद जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का कभी आवास हुआ करता था उसको खाली करने का नोटिस दिया गया था। हालांकि चिराग पासवान ने इसे 8 अक्टूबर तक खाली ना करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है और इसी बीच चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कर दिया जब एक बार फिर से चिराग खबरों में बन गए हैं। दरअसल चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को जो आवास मिला हुआ था जो कि 12 जनपद दिल्ली स्थित है, वहां पर चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित कर दी है। जी हां, और सिर्फ मूर्ति ही नहीं बल्कि उस परिसर में उन्होंने एक स्मृति बोर्ड भी लगवा दिया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से इस आवास को खाली करना है और यह आवास जो है वो रेल मंत्री को दिया जाना है, लेकिन चिराग पासवान ने इसी आवास के परिसर में स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित कर एक बार फिर से विवादों को जन्म दे दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए एक बार हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी दे देते हैं। दरअसल चिराग पासवान को दिल्ली के 12 जनपद स्थित स्वर्गीय रामविलास पासवान के सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया था। हालांकि उन्होंने बंगला खाली करने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय मांगा है, लेकिन इसी बीच बंगले के अंदर चिराग ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित करवा दी है। इतना ही नहीं, ऑफिस के बाहर रामविलास पासवान के स्मृति लिखा एक बोर्ड भी लगवा दिया है। अब नोटिस मिलने के बाद मूर्ति की स्थापना किए जाने के कई मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग बंगला छोड़ने के मूड में ही नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि चिराग और उनके समर्थक 12 जनपद स्थित बंगले को रामविलास पासवान के स्मृति के रूप में रहने देने की भी मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान ने उस बंगले को कुछ दिन और अपने पास रहने देने की गुहार केंद्र सरकार के पास लगाई है। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि यानी कि 8 अक्टूबर तक की मोहलत सरकार से मांगी है। चिराग अपने पिता की पहली पुण्यतिथि उसी बंगले में मनाना चाह रहे हैं, लेकिन मोहलत लेने के बाद रामविलास की मूर्ति की स्थापना किसी और बात की तरफ इशारा कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में 12 जनपद के बंगले की पहचान रामविलास पासवान के नाम से ही होती रही है। 1989 से ही रामविलास पासवान उस बंगले में रहते आए हैं। अक्टूबर 2020 में उनके निधन तक बंगला उनके नाम ही आवंटित रहा। चिराग पासवान ने अपनी लगभग पूरी जिंदगी उसी 12 जनपद के बंगले में गुजारी है। इससे पहले चिराग पासवान को 12 जनपद का बंगला खाली करने का नोटिस भी भेजा गया था। केंद्रीय आवास एवं नगर विकास मंत्रालय ने चिराग पासवान को नोटिस भेजकर उस बंगले को खाली करने को कहा था जो उनके पिता रामविलास पासवान के नाम आवंटित था। चिराग पासवान को पिछले 14 जुलाई को 12 जनपद खाली करने की आखिरी नोटिस मिली थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि उनसे पहले भी चिराग पासवान को 2 दफे बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने फिलहाल 12 जनपद के बंगले में शिफ्ट होने की जल्दबाजी नहीं दिखाई है। उनकी ओर से ऐसी कोई मांग केंद्र सरकार से नहीं की गई है, लेकिन वो एक साथ कई मंत्रालयों का काम भी संभाल रहे हैं, लिहाजा सांसदों के लिए बने एमएम फ्लैट के बड़े बंगले में शिफ्ट होना उनकी मजबूरी है। अश्वनी वैष्णव के पास रेल के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार मंत्रालय भी है, उन्हें 12 जनपद स्थित बंगला आवंटित किया गया है। अब जबकि रेल मंत्री को इस बंगले में शिफ्ट होना है, लेकिन इससे ठीक पहले चिराग पासवान ने अपने पिता की पहली पुण्यतिथि को लेकर वहां पर जो है वो मूर्ति की स्थापना कर दी है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मसले पर चिराग के मन में आखिर क्या चल रहा है। जिस बंगले में उन्होंने बचपन बिताई है, क्या चिराग पासवान उस बंगले से कभी जाना नहीं चाहते हैं? राजनीतिक से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबर आपको अगर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।